अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं थोनों गन्ना दिखाउन लगा। गन्ने तुसी देखियो तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड लाई सी। तो गन्ना है चार कनाल का, तकरीबन 500 मन तक चल जाना। वह कद काट देखियो, ये टाइम ना कि खाद खूद मिले ना तो फिर इधर भी ज़्यादा फसल होंगी है। इन्हों दिन जी खाद चाहिए होंगी है तो वह अल्लाह की मेहरबानी ना कि साढ़े मुसलमान भाई आ जखीरा कर लेंगे आ, तो दोबारा मुड़ के खाद ही नहीं लभदी वह। ठीक है ना, अगर वो टाइम ना खाद लभे तो सब कुछ यानी कि अच्छा रिजल्ट मिल जाता। तो इतने उस टाइम खाद नहीं मिलनी होंगी जदों ये फसल बीज वो हटता। तो बाकी बाहरले मुल्कां इदां दी चीज़ आ कि एक मैं स्प्रे लैन गया, वो जर्मन की सी। वो जर्मन की जो मैं लैन गया तो उन्होंने कहा जी उन्होंने मुल्क दे च अपने कमी हो गई है, तद करके ना उन्होंने पाकिस्तान को देना हट गए। तो मैं बड़ा खुश होया कि ऐसा मुल्क आ, देख लो कि बाकी देख लो मुल्क अपने मुल्क दी फायदा पिया, अपना फायदा सोचते अपने मुल्क का कि साड़ा एक्सपोर्ट होगी अच्छी होगी, डॉलर का रेट घटेगा तो साढ़े मुल्क वाले ने ये बाहरले मुल्क नूं देनी हुंदी है। तो साढ़े मुल्क दे च अपने जिहड़े जिमीदार तरसदे रहिंदे खाद नूं। ठीक है ना, हुण इस टाइम कणक भी जी आ तो उत्ते यूरिया पाउणी, यूरिया नहीं मिल रही। ठीक है ना, तो यूरिया मिली आ तो 700-800 रुपए महंगी मिलनी है, तो पूरे रेट ते नहीं मिलती। तो बस इस तरह आ, हर बंदा ना हर बंदा दा दे आ। ठीक है ना, तो आ देख लो हजे तक पूरी ना उन्हूं खुराक नहीं मिली गन्ने नूं। अगर पूरी खुराक मिली होंगी गन्ने तो इधरों भी ज़्यादा फसल अच्छी होनी सी। और गन्ने का मैं तुम्हें साइज दिखा तो हूँ कणक बीजनी है, सिर्फ इस गल तो जल्दी बढ़ाने लगे हैं। तो बाकी वो गन्ने का रेट भी घट कर दिता है इन्होंने, तो कि सिर्फ मजबूरी है ना जिमीदार को देनी। हूँ गन्ना देंगे तो वो ज़्यादा रेट भी इस गल तो कम किया गन्ने ने गाड़े कंडे वाले। ठीक है ना, तो सिर्फ मजबूरी का नजायज़ फायदा उठाते जिमीदारा का। तो इस तरह फिर बंदे का की जज्बा हों बंदे का, उसले बंदे की कि मायूसी होंगी है जिन्हें इन्नी मेहनत की होंगी जिमीदार ने पूरा साल, तो उन्होंने सही रेट भी नहीं लभदा। तो साढ़े यानी कि हालात ये आ, कोई नहीं पुछन दसन वाला, अपनी मर्जी हर बंदा करता पिया। तो बाकी ज बाकी मुल्कों की जो गल सुनते हैं तो बड़ा फख्र हों अल्ला साढ़े भी साढ़े मुल्क में भी इदी तरक्की मिलती, तो साढ़े मुल्क भी इदा मुखलस अफसर होंगे। ठीक है ना, इतने कोई मुखलस नहीं है मुल्क के नाल। तो अल्लाह ताला इन्हों सब हदायत दे, सानू भी दे, साढ़े भी कुताहियां है जड़िया साढ़े मुताबक जो असी चाहते हैं वो मुताबक नहीं हो रहा। साढ़े भी जिदा कहते होंगे जिदा की आवाम उदा का हुक्मरान, तो फिर साढ़े भी कुताहियां है तो साढ़े हुक्मरान भी इदा के निका आते हैं ना साढ़े तो मसलत होंगे है। ठीक है ना, वो पहलों अपन जेबा भरते हैं तो वो जेबा जो भरते हैं तो उस तो बाद कितने जा कि एंड से जो इलैक्शन फिर होने लगते उदों कोई तरक्याती काम करते हैं, उस अलावा करता कोई नहीं। आ तुहानू हुण गन्ने का साइज देखो, तो मजीद मेरे चैनल में सबसक्राइब करो। तो मैं तुहानू हुण गन्ना दिखाउन लगा तो शेयर भी करो, मेरी को गल्लां पसंद आईयां तो तुहानू मेहरबानी। तो आ गन्ने का मैं साइज तुहानू दिखाउन लगा, तो बंदे छिलण डए आ, छिलाई कर डए बंदे। तो आ गन्ने का साइज देखो माशाल्लाह किड्डा मोटा गन्ना है, तो किन्नी लेंथ आ लंबाई किन्नी गन्ने की। तो अगर इनू खुराक पूरी मिली होंगी इस तो भी ज़्यादा वड्डा होना सी। प्लेयर चाहिए सब ठंडा चाहिए।
इंटरनेशनल ते जानी जनाब माशाल्लाह देखो जी गन्ने का साइज तकरीबन 9-10 फुट बनता है जिस हिसाब न 8-9 फुट तो लाजमी है ना तो मोटा मोटा मोटापा देखो गन्ने का देखो गन्ने का साइज गन्ने का साइज देखो हाँ भरे बन्ने इस तरह इन बनी दा है कि जरा मिल में सीटना होन चुके ले जाना सौखा हो जाता इस तरह ही अगे ढेरी लगी है एक ढेरी लगी है एक अगे लगी है बंदे छलाई करते मैं हूँ तुम अल्लाह हाफिज कहना तो बाकी मैं तुम मजीद होर वीडियो दिखावगा ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज।